Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. Today we are going to talk about an experiment in the subject Mechanics of Structure 1 named Isod Impact Test. यह टेस्ट हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे ताकि हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर सकें। द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इम्पैक्ट लोड ऑन मटेरियल बाय आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हम कोई भी मटेरियल के ऊपर अगर इम्पैक्ट लोड आए, दैट इज अचानक से अगर कोई लोड आता है तो उससे इसके ऊपर क्या इफेक्ट आती है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट। Then the apparatus required for this test, मतलब equipment जो भी required है इस test के लिए वो है impact testing machine और testing samples। मतलब ये test perform करने के लिए हमें जो equipment machinery चाहिए उसे बोलते हैं impact testing machine and we need to prepare the samples। मतलब जो भी material हमें test करना है उसके samples IS code के दिए गए हुए dimensions से बने हुए चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास जो मटेरियल सैंपल्स है वो है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और ब्रास के। एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस टेस्ट। इन द डिज़ाइन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड मशीन्स इम्पैक्ट लोडिंग इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर या फिर मशीन डिज़ाइन करने से पहले हमें जो मटेरियल यूज़ होने वाला है उस स्ट्रक्चर या फिर मशीनरी बनाने में उसकी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी बन जाता है और उस प्रॉपर्टी में इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। द मटेरियल यूज्ड एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर और अ पार्ट ऑफ अ मशीन अंडर इम्पैक्ट मस्ट हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक एक्शन। मतलब हम जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर या फिर मशीनरी बनाने के लिए उसकी एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इनफ होनी चाहिए और ये एक्सपेरिमेंट आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट परफॉर्म करके हम इम्पैक्ट एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी सभी मटेरियल्स की आइडेंटिफाई करेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन द एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल्स अंडर इम्पैक्ट लोड। मतलब इस एक्सपेरिमेंट का जो मेन पर्पस है वो है ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को मेजर करना। एनर्जी ऑफ द ब्लो विल कॉज द रप्चर ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन। और यहाँ पर हमने जो टेस्ट स्पेसिमेन लिए वो है ब्रास, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। मतलब इस टेस्ट में इस मशीनरी से जो ब्लो लगेगा उसके द्वारा हमारे सैंपल पे रप्चर यानी कि फेलियर देखा जाएगा। अ नॉच इन द स्पेसिमेन इज प्रोवाइडेड। मतलब स्पेसिमेन में इस तरह का नॉच प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड। द यूज ऑफ द नॉच कॉसेस हाई लोकलाइज्ड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन विच आर्टिफिशियली रिड्यूसेस डक्टिलिटी इन मेक्स ऑल स्पेसिमेन्स फेल फ्रॉम द सेम पोर्शन। मतलब ये नॉच यहाँ पे प्रोवाइड करने से हाई लोकलाइज्ड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस होता है। मतलब एक ही जगह पे बहुत सा स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है ये, जो आर्टिफिशियली इस सैंपल की डक्टिलिटी को घटा देता है एंड मेक्स ऑल स्पेसिमेन फेल फ्रॉम द सेम पोर्शन। मतलब सभी स्पेसिमेन को यहाँ से फेल करने के लिए ये हम नॉच यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द डायग्राम और फिगर ऑफ दिस स्पेसिमेन व्हाट वी आर यूजिंग इन दिस। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सभी डायमेंशन मैंने यहाँ पे दिखाया है, जो उसका क्रॉस सेक्शन है 10 mm क्रॉस 10 mm एंड लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन इज 75 mm। और नॉच कहाँ पे प्रोवाइड करना है वो भी मैंने यहाँ पे डिटेल में दिखाया है, ऊपर से एकदम 28 mm पे एंड द ब्लो डिरेक्शन इज ओवर हियर जो कि नॉच से 22 mm पे है। और क्योंकि ये वी शेप नॉच है इसे हम 45° वी नॉच भी बोल सकते हैं। So friends, now we'll move towards the experiment. So starting with the experiment of Isod Impact Test, ये हमारा impact testing machine है जिसमें हम 4P impact test भी कर सकते हैं। But here we are concentrating on Isod Impact Test only. तो ये पूरा एक Isod और 4P impact testing का machine है जिसके अलग अलग components भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम इस मशीन की मदद से अलग अलग मटेरियल की एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग जानेंगे और ये सभी मटेरियल्स की कैपेसिटी का मैग्नीट्यूड हम मेजर करेंगे। तो ये हमारे मशीन का रीडिंग डायल है जिसमें आइजोड और 4P दोनों के हम रीडिंग्स ले सकते हैं। जहाँ पे अंदर की तरफ जो रीडिंग्स दिखाई दे रहे हैं वो आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट के लिए है और बाहर की तरफ जो भी रीडिंग्स दिए हैं वो
चार पे इंपैक्ट टेस्ट के लिए दिए गए। एंड एज लिस्टेड इन द डायल, जैसा कि डायल में दिया गया है, 1 division इज इक्वल टू 2 joules, तो क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी मेजर कर रहे हैं तो इसका यूनिट रहेगा जूल्स, और 1 division का यूनिट यहाँ पे है 2 joules, तो इस हिसाब से हम वैल्यू मेजर करेंगे। फिर अगर हम बात करें सेटअप की, तो इस लेवल से हम 4P इम्पैक्ट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और इस लेवल से हम आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और इस डायल में से जो है वो हम वैल्यू मेजर करेंगे। और फिर जैसा कि मैंने बताया, ये डायल में बाहर की तरफ जो पूरी स्केल दी गई है वो 4P इम्पैक्ट टेस्ट की दी गई है, और यहाँ 0 से स्टार्ट होते हुए इसके रीडिंग्स दिए गए हैं। और अंदर की बात करें तो यहाँ पे आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट हम मेजर कर सकते हैं, और आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट में हम ये एरो नीचे सेट करेंगे जो इस तरफ मूव होगा, और जैसा कि मैंने बताया 1 division विल बी इक्वल टू 2 joules, और इस हिसाब से हम वैल्यूज मेजर करेंगे। और ये यहाँ पे जो छोटा हैंडल दिखाई दे रहा है वो इस मशीन की की है, जिससे हमारा जो हैमर है वो एक्टिवेट होगा और फ्री फॉल होगा उसका। तो ये उस हैमर का इंटरलॉकिंग की है जो कि आपको सिल्वर प्लेटेड दिखाई दे रहा है, और ये हमारी हैमर को लॉक कर देगा। फिर ये हमारी हैमर की ब्रेक है जो कि फ्री फॉलिंग हैमर को ब्रेक लगा सकती है, और ये है हमारी आइजोड हैमर, या फिर हम पेंडुलम भी बोल सकते हैं, जिसकी मदद से हम इम्पैक्ट एनर्जी मेजर करेंगे एंड इट विल मेक अ फ्री फॉल। और ये हमारे 4 अलग अलग सैंपल्स है जिसकी हम एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी मेजर करेंगे, नेमली ब्रास, कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम, और इनके डायमेंशंस 10mm क्रॉस 10mm क्रॉस 75mm है, और छोटा सा नॉच प्रोवाइड किया गया है जिसे हम 45 डिग्री वी नॉच भी बोल सकते हैं। और ये नॉच प्रोवाइड करने से क्या होगा कि जहां से हम चाहते हैं वहां से ही फेलियर होगा, और अनइवन अननोटिस्ड फेलियर इस सैंपल में नहीं हो पाएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट, जहां पे मैंने ये हैमर उठाई और इंटरलॉक कर दी। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा एरो को एकदम नीचे सेट करना आइजोड इम्पैक्ट टेस्टिंग के सेटअप के लिए, जहां पे इसकी बॉटम मोस्ट वैल्यू दी गई है। एंड आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी फिक्सिंग ऑफ द सैंपल। जो हमने 4 सैंपल देखे थे उसमें से सबसे पहला जो है वो है ब्रास, और यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे इस लेवल पे, एंड इसका बोल्ट हम टाइट कर देंगे ताकि ये अंदर ना घुस जाए। तो ठीक से मैं यहाँ पे इसको टाइट कर दे रहा हूँ लेवल पे, नॉच के लेवल पे। फिर मैं इस की को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इस हैमर का फ्री फॉल कर दूँ। और फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो ब्रास का सैंपल है वो पूरा टूट चुका है और इसका ब्रिटल फेलियर हो गया। और फिर इस हैमर को रोकने के लिए हमें इस ब्रेक को खींचना। इससे हम बोल सकते हैं कि ब्रास ब्रिटल है और इसका जो है वो ब्रिटल फेलियर हम देख सकते हैं। और इस डायल में हम वैल्यू चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 28 divisions पे आके हमारा एरो जो है वो रुक गया है। इसका मतलब है कि 28 × 2 दैट इज 56 joule एनर्जी इसने इम्पैक्ट में रेजिस्ट की। फिर से मैं इस एरो को 0 पे सेट कर दूंगा, यानी कि बॉटम मोस्ट लेवल पे सेट करके नेक्स्ट सैंपल टेस्ट करूँगा। और हमारा नेक्स्ट सैंपल आयरन।
और हम जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि आयन जो है वो ब्रास की तरह पूरी तरह से टूटा नहीं है और इसका डक्टाइल फेलियर हुआ है, जबकि ब्रास का ब्रिटल फेलियर हुआ है। फिर इसका रीडिंग जो है वो 94th डिवीजन पे अटका है, मतलब 188 जूल एनर्जी इसने रेजिस्ट की है। देन आवर नेक्स्ट सैंपल इज कॉपर, जो हमने ऑलरेडी फिक्स करके रख दिया। और इस बार जो है वो मैं आपको इस फ्री फॉलिंग हैमर का स्लो मोशन दिखाऊंगा, जिसकी मदद से आप लोग समझ जाओगे कि एरो की मूवमेंट किस तरह से होती है। और ये इंपैक्ट लोड की वजह से कॉपर का भी डक्टाइल फेलियर हुआ है आयन की वजह से। और इसकी वैल्यू है 40 डिवीजन यानी कि 80 जूल। और अब हम हमारा आखिरी सैंपल जो कि एल्यूमिनियम है उसका टेस्ट करेंगे, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसका भी डक्टाइल फेलियर हुआ है। And the value is 41 divisions, that is 82 joules. तो यहाँ पे मैंने सभी samples के एकदम detail में failure modes दिखाए ना। Moving towards the observation, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो energy है वो consume की है iron ने, that is 188 joule. Then comes aluminium, that is 82 joules. Then copper 80 joules. And सबसे कम जो है वो resist कर पाया है brass. और ये impact energy की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इस तरह से हम आइसोड इंपैक्ट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।